से देखिएगा तो हमारा ये क्वेश्चन प्रीवियस का है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आइए हम ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रोलैंड रिंग आर मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर, कैसा है? तो रोलैंड रिंग है जिसका मतलब कोई रिंग है इस टाइप का, इस टाइप का रिंग, तो है रेडियस कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, है कितना उसमें टर्न है, तो 300 पॉइंट टर्न ऑफ वायर पाउंड आंसर, फेरोमैग्नेटिक कोर आपका रिलेटिव परमेबिलिटी कितना, ये रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है, मतलब इसमें हमें क्या पता देखिए, आर की वैल्यू पता है, ये कैपिटल एन की वैल्यू पता है, उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू पता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी की वैल्यू निकाल है, इन दी कोर आपको मैग्नेटिक करेंट की वैल्यू आ रही है, ये इतना हमको पता है, अगर रिंग में हो या सॉलिड नाइट में होता है तो का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट और म्यू आर एन आई, क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, तो डी की वैल्यू लेकर क्या है म्यू नॉट की वैल्यू 4 pi × 10 और म्यू आर इसकी वैल्यू है 1 है, एन की वैल्यू हमारी एन इक्वल टू देखिए क्या होगा, एन इक्वल टू हो जाए कितना, तो कैपिटल एन अपॉन 2 pi है, ठीक है, कितना वैल्यू है कैपिटल एन, कैपिटल एन की वैल्यू कितना है 3500 अपॉन 2 pi है, 2 pi, आर की वैल्यू कितनी की बात है तो 35 × 10 4 मीटर मीटर, करंट की वैल्यू कितनी है आप लोग देख लो, करंट कितना है 1 एम्पीयर, आप देखिए अगर ये हम लोग का यहाँ पे ये अगर होंगे तो न्यू नॉट करंट है 4 pi × 10 4 − 7 ये चार चीज़ें लोग चेंज करेंगे, उसके बाद जो है स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 10 4 − 2 मीटर और कैपिटल एन जो है 35 है ये हो गया 8 और
आठ बटे चौंसठ ये हो जाएगा। इसका ऐसे मतलब आठ बटे आठ बटे चौंसठ चौंसठ सात मिनट तो हो जाएगा सात छः सात चौक अट्ठाईस आठ और चार गए यदि सात चौक अट्ठाईस और आठ हो गए तो सात छः बयालीस और बयालीस हो जाएगा छियालीस। तो वैल्यू टू सिक्स एट और देखिएगा जीरो लिखना है तो यहाँ से जीरो के दो जीरो एक जीरो तीन जीरो तीन शून्य जीरो हमको क्या करके पावर मिल जाएगा। अगर इस सेवन में से टू सबको माइनस फाइव आया तो माइनस फाइव में से थ्री जो थ्री और कर देंगे तो माइनस टू हो जाएगा और माइनस टू का मतलब होगा जीरो पॉइंट देना कितना जाएगा फोर पॉइंट सिक्स एट इतना हमारा है बी के वैल्यू के टेस्ट करना है। देखिएगा आराम से देखिए तो कोई दिक्कत नहीं तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सॉलिड में जो होता है वो होता है तो यहाँ पे रिलेटिव पे लिखा तो म्यू नॉट और यहाँ पे म्यू आर हंड्रेड हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है म्यू आर की वैल्यू एट हंड्रेड दे रखा है यंग की वैल्यू नहीं पता क्या करें पता किसी क्या करें अपने इस्तेमाल वैल्यू क्या है हमारा नहीं पता है तो यंग पॉइंट टू फाइव कर देंगे तो कैपिटल का तो उसके कम ही वैल्यू हो गया तो आई की वैल्यू पता है जिसको आर डी ने हमारा अगर फोर पॉइंट सिक्स पैसे आप इस तरीके से आप लिख दे रहे आगे क्वेश्चन लेते हैं ठीक है ना। तो चलिए आराम से देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आ जाएगा तो देख लीजिएगा आप देखिएगा आगे बढ़ते हैं।